फ्रेंड्स, हमारे चैनल ई फूड रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ इडली, जो कि बिना स्टैंड के बनाई गई है। तो ज़्यादातर लोगों के घर में स्टैंड नहीं होता है, तो आप बिल्कुल भी सोच में मत पड़िए। आप बिना स्टैंड के बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप बिना स्टैंड के भी बहुत स्वादिष्ट और खूबसूरत इडली बना सकते हैं, और जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि अगर आपके घर में स्टैंड नहीं है, इडली बनाने वाला सांचा नहीं है, तो भी आप इडली को बड़ी आसानी से बना सकते हैं, वो भी बहुत जल्दी। वो भी स्टैंड से ज़्यादा, मतलब सांचे में रख कर आप बनाएंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी इडली बहुत अच्छी फूगेगी और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आपको इस तरह इडली बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको एक कढ़ाई लेना है, जिससे कोई प्लेट पूरी तरह ढक जाए। तो आप एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में आपको एक गिलास पानी डाल देना है, पानी के अंदर एक कटोरी भी डाल के रख देनी है जो पानी के अंदर पूरा डूब जाए अच्छी तरीके से। और अब आपको एक थाली लेनी है जो कढ़ाई के अंदर अच्छी तरीके से बैठ जाए और ढकने पर उससे भाप बाहर ना निकल सके। को इसी तरीके से कोई एक थाली लेनी है जो एकदम फिट बैठ जाए। तो उस थाली पे आपको नीचे थोड़ा ऑयल लगा देना है, कोई भी ऑयल हो आपके पास, चाहे रिफाइंड ऑयल हो, चाहे मस्टर्ड ऑयल हो, कोई भी ऑयल आप लगा सकते हैं। तो थाली में ऑयल लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, ऑयल को अच्छी तरीके से चारों तरफ लगाना है, जिससे अगर आप ऑयल नीचे लगाएंगे तो आपकी इडली नीचे चिपकेगी नहीं और बड़ी आसानी से निकल जाएगी। तो आपको इसी तरीके से ऑयल लगा देना है। ऑयल लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारा पानी भी गर्म हो चुका है, मैंने पहले ही रख दिया था पानी को गर्म होने के लिए। और अब हम थाली में अपने बैटर को डाल के, इडली वाला बैटर जिससे इडली बनाते हैं उसको हम डाल देंगे। और मैंने बैटर बनाना भी आपको बताया है, तो चाहे आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो बैटर को डालकर अब हम कढ़ाई में रख देंगे और ऐसी कोई थाली लेंगे जिससे कि ये अच्छी तरीके से ढक जाए और पानी का भाप बाहर ना निकल सके। तो ध्यान से देखिए ये वीडियो, और आप भी प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारे चैनल के वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर पाएंगे। तो देखिए इसी तरीके से आपको एक ऐसे थाली या प्लेट से ढक देना है जिससे कि भाप बाहर ना आ सके। और आपको 20-25 मिनट बाद आपको चेक कर लेना है। तो 20-25 मिनट हो चुके हैं, और अब हम किसी नाइफ़ या किसी स्पून की सहायता से चेक कर लेंगे। अगर चाकू में ये चिपकता नहीं है तो इसका मतलब हमारी इडली हो चुकी है। तो अब हम चेक कर लेंगे, और चेक करने के बाद हम इसको उतार लेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। तो देखिए चिपक नहीं रही इडली, तो इसका मतलब हमारी इडली हो चुकी है। अब हम इसको कढ़ाई में से निकालेंगे और उतार कर हमें इसमें सरसों, कड़ी पत्ता और ऑयल का तड़का दे देना है, लगा देना है इस तरीके से ऊपर से, इससे टेस्ट और अच्छा आ जाता है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। और अब आप इसको अपने मनपसंद आकार का काट लीजिए जैसा आप चाहें। और अपने मनपसंद आकार का काट कर इसको आप सर्व करिए। तो देखिए कितने फटाफट और बड़ी आसानी से आपकी इडली बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसको चाहे नारियल की चटनी के साथ, चाहे मूंगफली की चटनी के साथ खाइए और सबको सर्व करिए। और बनाने के लिए हमारे चैनल को तुरंत, अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए
और भी कई वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर पाएंगे। तो प्लीज़ सकते हैं कि हमारी इडली कितनी सॉफ्ट, कितनी फूगी हुई और कितनी वाइट वाइट बनी है। और जितनी देखने में ये सुंदर दिख रही है, उतनी उससे ज़्यादा कहीं खाने में भी स्वादिष्ट है। तो आप इस तरीके से इडली ज़रूर बनाइए और ख़ुद भी खाइए और अपने घर वालों को भी सर्व करिए। तो चाहे नारियल की चटनी के साथ, चाहे सॉस के साथ, चाहे जो भी आपको पसंद हो, आप उसके साथ इस इडली को सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए, खुश रहिए। और हाँ, लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।